अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 5, आई होप यू ऑल आर फाइन। दिस इज़ योर मैथ्स क्लास एंड आई एम योर मैथ्स टीचर। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 2, यूनिट नंबर 7, यूनिटरी मेथड, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सो हेयर आर सम ब्लैंक्स एंड यू हैव टू फिल इन दीज ब्लैंक्स। फर्स्ट इज, टू रेशियोज आर सेड टू बी इन डैश इफ़ दे टॉक अबाउट इक्वल क्वान्टिटीज। अगर दो रेशियोज इक्वल क्वान्टिटीज़ में होंगी तो उनको हम क्या कहेंगे? So answer is present in this chapter. Here is your answer. Two ratios are said to be in proportion if they talk about equal quantity. So answer is proportion. ठीक है. Second is, when you compare two quantities of same kind by using division, a dash is formed. जब आप दो quantities को compare करते हैं by using division method, तो क्या form होती है उनके बीच में? So answer is this. When you compare two quantities of same kind by using division, a ratio is formed. So answer is ratio. ठीक है, इसमें सेकेंड वाले में आंसर आएगा रेशियो. नंबर थर्ड इज, टू क्वान्टिटीज आर सेड टू बी डैश प्रोपोर्शनल इफ एन इंक्रीज इन वन रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द अदर. सो कौन सी उनमें प्रोपोर्शन बनती है अगर दोनों क्वान्टिटीज सेम डायरेक्शन में जा रही हैं? अगर एक इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज होनी चाहिए. तो ये आपने खुद ही फाइंड आउट करना है. नंबर फोर्थ इज, इन इनवर्स प्रोपोर्शन इफ वन थिंग इंक्रीज द अदर विल डैश. दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क. ये थर्ड एंड फोर्थ आपने खुद ही इसको फाइंड आउट करना है और ये आपका होमवर्क भी है. एंड फर्स्ट एंड सेकेंड जो है वो मैंने आपको बता दिया है. सो दिस इज एक्सरसाइज नंबर 2, यूनिट नंबर 7, विच इज़ लास्ट एक्सरसाइज ऑफ यूनिट नंबर 7, एंड दिस इज योर होमवर्क. जज़ाकअल्लाह.